नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आज एक नई वीडियो लेकर, सबसे पहले तो आज इसके अंदर हम पहुंचने वाले हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च की, यहाँ पे घुस गए तो अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक अमेरिकन विमान भी खड़ा है जो फाइटर जेट है, एक गाड़ियां भी है, पर अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको कभी फिर बाद में चुराएंगे, ये सिक्योरिटेड है। हम एक ऊपर हेलीकॉप्टर है MiG-51, वो चुराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की धमाकेदार एंट्री के साथ। तो अपना माइकल वैभव चल चुका है ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर थोड़ी गाड़ी है, वो देख लीजिए, पसंद आए तो बताना इनमें से कौन सी उठानी है। मेरे को ये रोल्स रॉयस टाइप कार बहुत अच्छी लगी। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिफ्ट वगैरह सिस्टम है। तो अगर आपको दोस्तों पता नहीं है मैं कहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं बता दूँ, ये अंडर वाटर ग्राउंड माफिया का ठिकाना है। यहाँ पे बहुत सारी उसने गाड़ियाँ चुरा के स्मगलिंग करके ले चुके हैं, लिफ्ट से हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा काउंटर का माहौल देख लो, ये उसका खुद का प्राइवेट यार्ड है, तो इसमें हम चलते हैं। यहाँ की सीनरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना, अगर कुछ इसमें चेंजिंग चाहिए तो वो भी बता देना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत रख रखे हैं इसने, तो चलो फिलहाल तो इनके पास गन नहीं है। मैं अंडरग्राउंड वाटर माफिया से बात कर चुका हूँ, उसने मेरे को छूट दे रखी है यहाँ पे घूमने की। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर चुराने वाला हूँ, बट अगर उसको पता भी चल जाए तो मेरी उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, वो मुझे रोकेगा नहीं। क्या पता गिफ्ट भी करते है, और अपने को तो बिना एहसान करे उसको उठा के लेके जाना है। ये अपनी स्कॉर्पियो मैंने उसको भेजी थी, तो दोस्तों अगर आपको स्कॉर्पियो वापस चाहिए तो बता देना, मैं अपना एक और पीला बेच कर इसको वापस खरीदूंगा। पहले मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने अंडर वाटर माफिया को ये बेच दी थी। स्कॉर्पियो यार बड़ी धमाकेदार लग रही है, तो बताओ दोस्तों कमेंट करके बताना, अगर ये स्कॉर्पियो आपको वापस आई है अपनी तरफ तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करके जरूर बता देना कैसी लग रही है स्कॉर्पियो, पोस्ट करके बहुत अच्छी तरह से रख रखी है। वाह यार धमाकेदार, मेरा मन कर रहा है मैं इसको ले लूं, पर चलो फिलहाल के लिए तो अपन हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हर जगह पे खड़े हुए हैं, गन नहीं है आज इनके पास। चलो अपने को इतनी वो नहीं होगी डिफिकल्टी, चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छी आर्ट उसने तैयार कर रखी है, स्विमिंग पूल वगैरह बना रखा है, काफी उसकी नौकर वगैरह यहाँ पे हैं, कुछ फ्रेंड्स ऊपर पार्टी कर रहे हैं अंडर वाटर माफिया के। वो आज नहीं है यहाँ पे, वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने के लिए गया है, उसे कुछ नया प्लान सूझा है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। वह प्रेसिडेंट को साथ में मिला रखा है, ये डांस कर रहे हैं उसके दोस्त अकेले ही, तो म्यूजिक अच्छा चल रहा है, मैं भी डांस कर लूं, बट कोई नहीं कभी फिर देखेंगे। अभी कुछ दिनों बाद ग्राउंड वाटर माफिया का जन्मदिन भी है, उस दिन डांस करेंगे यहाँ पे आके। तो गिफ्ट में मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ अच्छी सी चीजें क्या हो, ताकि मेरी दोस्ती और गहरी हो, तो अपना फायदा ले सके। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे काम जाम बहुत ही अच्छा कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। भाई बूढ़ा वगैरह सब बैठे हैं, ओहो बूढ़े को भी दे दी, एक लड़की को भी मार दी। अपना फ्रेंड है वो कुछ नहीं करने वाला है अपने को, फुल मौज मस्ती करेंगे। चलो हेलीकॉप्टर को उठा देते हैं, अपना काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कैसा लगा दोस्तों हेलीकॉप्टर आपको, एक और बता दो इसमें कम से कम। अरे यार लड़की और आ गई पंखे के अंदर, देखी कब गाइस आपने, क्या भयंकर तरीके से गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो अंदर की तरफ चलते हैं। भाई क्या म्यामी अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टर व्यू से। दोस्तों बताना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक करके जरूर बता देना, मेरे बहुत से दोस्त वीडियो तो देख रहे हैं परंतु वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, वो एक प्यारा सा कमेंट छोड़े। मैं कुछ दिनों बाद गिवअवे करने का प्लान कर रहा हूँ,